वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ बनो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, तुम एक बार मेरे घर अवश्य आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी वस्तुओं का सिलेक्शन और कलेक्शन दिखा सकूं। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि तुम मेरे घर की साज सज्जा देखकर दंग रह जाओगे। कीमती फानूस की चमक दमक पर तुम मुग्ध हुए बिना नहीं रहोगे। अगर तुम्हारी दृष्टि मखमली कालीन पर पड़ गई तो कदम वहीं अटक जाएंगे। इस प्रकार अपनी वस्तुनिष्ठता को तरजीह देते हुए वह बार बार पदार्थों की मोहकता का प्रदर्शन कर रहा था। मित्र तत्वचिंतक था, उसकी दृष्टि में वस्तुएं नहीं आत्मा मूल्यवान थी, अतः वस्तुओं का बखान उस पर असर न कर सका। उसने मित्र को वस्तु का विज्ञान समझाते हुए कहा, मित्र जीवन में वस्तुओं की प्राप्ति पुण्य के अधीन है और अभी तुम्हारा पुण्य काल चल रहा है। याद रखना, पुण्य सदा बर्फ की भांति पिघलता है, अतः पुण्य की क्षीणता में पदार्थों का वियोग भी सुनिश्चित है। यूं भी वस्तुएं जड़ होने से सड़ती है, गलती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। बेशक चाहे वस्तुएं मूल्यवान क्यों न हो, परंतु उसका मूल्य आत्मा से अधिक नहीं है। मित्र के मुख से वस्तुओं की सच्चाई जानकर उसकी मिथ्या धारणा पर प्रहार हुआ। उसे असल सत्य समझ में आ गया कि आत्मा मूल्यवान है क्योंकि वह नित्य है। उस पर अग्नि, पानी, हवा, शस्त्र और समय का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों से समृद्ध है। एक बात निश्चित है, इंसान जिस दिन सुख और सुखाभास के अंतर को समझ लेगा, उस दिन वस्तुओं का आकर्षण कपूर की भांति उड़ जाएगा। आत्मा से प्राप्त सुख सच्चा सुख है और वस्तुओं से प्राप्त सुख केवल सुखाभास है। आत्मसुख सूर्य प्रकाश की भांति प्रत्यक्ष है, तो वस्तुओं से प्राप्त सुख दर्पण की तरह परोक्ष है। सूर्य का प्रकाश स्वयं का है, दर्पण का प्रकाश उधार है। इसी तरह आत्मा का सुख अपना है, जबकि वस्तुओं का सुख पराधीन है। स्मरण रहे, वस्तु अपने आप में मात्र वस्तु है, उसके नाम और मूल्य व्यक्ति के द्वारा आरोपित है। मानव का दृष्टिकोण ही वस्तु को अर्थ प्रदान करता है। कमोबेश पदार्थ के प्रति तीन दृष्टिकोण है। एक है स्वार्थ दृष्टिकोण, जिसमें इंसान पदार्थ को किसी मतलब से या लालसा से देखता है। दूसरा है अनर्थ दृष्टिकोण, जिसमें व्यक्ति वस्तु को अनिष्ट, खराब या अर्थहीन दृष्टि से देखता है। तीसरा है पारमार्थिक दृष्टिकोण, जिसमें वस्तु का परम अर्थ छिपा है, वस्तुओं को निर्वाण प्राप्ति में सहयोगी और उपयोगी मानना, वस्तुओं को परोपकार या सुकृत में लगाना उसका श्रेष्ठ लाभ है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, वस्तुओं के साथ जियो, उसका उपयोग करो, किंतु वस्तुनिष्ठ मत बनो। दरअसल वस्तुओं का लगाव ही इंसान को संचय के पीछे दौड़ाता है। इस दौड़ को जब पुण्य की सहमति मिल जाती है तो पदार्थों का कारवां चला आता है। तत्पश्चात ममता के वश होकर इंसान वस्तुओं की सुरक्षा में दिन रात लगा रहता है। इतना ही नहीं, इंसान की वस्तुनिष्ठा उसे यह भ्रामक धारणा देती है कि पदार्थ की प्रचुरता के बिना आज तक कोई धनवान, शक्तिमान या प्रतिष्ठावान नहीं बन सका। इसलिए वह पदार्थों के पीछे अंधी दौड़ लगाता है और आत्मा को भुला बैठता है। उसकी वस्तु के प्रति विश्वास जब टूटता है, तब जीवन का अंतिम क्षण आता है। उस समय पदार्थों की निसारता का बोध तो हो जाता है, किंतु मेरेपन का लेबल पदार्थों के संग इतना अधिक चिपक जाता है कि उसे उतारना भी दुश्वार है। ऐसी स्थिति में आत्मा का ख्याल आता अवश्य है, किंतु आत्मकल्याण हेतु अब न वक्त है, न समझ है, न शक्ति है। इसलिए जीवन रहते हुए आत्मनिष्ठ बनो। अपनी वस्तुनिष्ठता की पकड़ ढीली करने हेतु एक प्रयोग अवश्य करें। मैं नित्य हूं, पर मेरा कुछ भी
नित्य नहीं है, इसलिए वस्तुओं पर मेरेपन का लेबल मत चिपकाना, क्योंकि आत्मा नित्य है और वस्तुएं अनित्य है। यह सुझाव मन के ऑर्गेनाइजर में प्रतिदिन फीड करो।